हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई उड़ान यानी कि सोरारी पोत्रू और वी इन दोनों ही मूवीज का, जो कि आपको हिंदी में अब देखने को मिल जाती है। तो इसके हिंदी डब कैसी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने इन दोनों ही मूवी का रिव्यू तब किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी। तो आई बटन पर क्लिक करो और दोनों ही मूवी का रिव्यू चेकआउट कर लेना एकदम डिटेल में। क्यों बात करेंगे उड़ान मूवी की हिंदी डब की, तो देखा है तो सारे डबिंग आर्टिस्ट ने अपने हिस्से के काम को बहुत ही अच्छी तरह से किया, लेकिन जिस डबिंग आर्टिस्ट ने यहाँ पर सूर्या के कैरेक्टर को आवाज़ दी है या सूर्या एक्टर को आवाज़ दी है, उसने एकदम जस्टिस किया है सूर्या और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके, तो उसके लिए उसकी तारीफ करना तो बनता है। लेकिन जिस डबिंग आर्टिस्ट ने यहाँ पर परेश रावल को अपनी वॉइस दी है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसको किसने इंस्ट्रक्शन दी कि भाई उसको परेश रावल सर की मिमिक्री करने की कोशिश करनी है। और वो एक ही चीज़ है इस पूरी मूवी में जो आपको खटकती है, जो हिंदी ऑडियंस है उनको डेफिनेटली खटकेगी, क्योंकि वो परेश रावल की वॉइस को इजीली समझ सकते हैं, इजीली पहचानते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ समझ में आती है कि यार कोई उनकी नकल करने की कोशिश कर रहा वॉइस में, कोई उनकी मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए थी। बाकी अगर हिंदी डबिंग की बात करो तो एकदम परफेक्टली किया गया है। खैर उसके अलावा अगर वी मूवी की डबिंग की बात करें तो उसका हिंदी डब भी अच्छी तरह से किया है। और मैं आपकी चीज़ बता दूं जो बोलना भूल गया, कि दोनों ही मूवी को गोल्ड माइंस ने डबिंग करवाया है, ये अमेजोन वालों ने नहीं करवाया, तो इसलिए इसकी डबिंग बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही अच्छी तरह से डबिंग आर्टिस्ट ने की है। और अगर वी की बात करो तो वी के साथ भी ऐसा ही हुआ है, सुधीर बाबू और नैनी इन दोनों ही एक्टर्स को जिन डबिंग आर्टिस्ट ने अपनी वॉइस दी है एकदम सूटेबल लगती है, बिल्कुल भी कहीं से भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा था, और दोनों ही डबिंग आर्टिस्ट ने उन दोनों कैरेक्टर को जिंदा कर दिया स्क्रीन पर। यानी कि कभी कभी क्या होता है, कुछ डबिंग आर्टिस्ट उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को मार देते हैं, जैसे कि जब कोई बॉलीवुड के एक्टर्स कभी डबिंग करते हैं तो वो कैरेक्टर की जो इंपॉर्टेंस होती है वो पूरी इंपॉर्टेंस खत्म कर देते हैं वो लोग अपनी वॉइस से। लेकिन यहाँ पर दोनों ही डबिंग आर्टिस्ट ने बिल्कुल जस्टिस दिया उन दोनों कैरेक्टर को, और डबिंग के मामले में वी मूवी भी एकदम परफेक्ट है। खैर अब इस वीडियो में एक बोनस सेक्शन भी हो, ये है कि प्रिल्यूड ऑफ पुष्पराज कल रिलीज हुआ था, एक छोटा सा ग्लिम्स था जहाँ पर हमें अल्लू अर्जुन एक जंगल में भागते हुए नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पे एक मार्क था। हालांकि 7 अप्रैल को शाम को 6:12 में हमें फर्स्ट लुक ऑफ पुष्पराज देखने को मिलेगा, जहाँ पर वो मास्क हट जाएगा और हमें अल्लू अर्जुन सर का लुक देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक छोटा सा ग्लिम्स जो कल रिलीज हुआ था वो इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है, क्यों लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उसका सबसे मेन रीज़न है अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन की जो फैन फॉलोइंग है वो भाई अनलिमिटेड है, मतलब सिर्फ तेलुगु ऑडियंस ही नहीं है बल्कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, पूरे इंडिया में अल्लू अर्जुन के एक अलग ही लेवल के फ़ैन है। और इसीलिए उनको स्टाइलिश एक्टर भी कहा था, क्योंकि उनका जो स्टाइल होता है जब वो किसी मूवी में कुछ भी चीज़ करते ना तो वो ट्रेंड में हो जाता है, और फिर सब लोग उनका हेयर स्टाइल हो या उनके जो शूज़ है या उनके कपड़े पहनने का तरीका सब लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। खैर इस पर्टिकुलर छोटे से ग्लिम में एक दूसरी खास बात लगी, वो था इसका BGM, इतना स्कैरी BGM और उस पर जो सिनेमेटोग्राफी थी वो, मतलब वो जंगल को इतना स्कैरी वे में इतनी बढ़िया तरीके से बताया, और वो जो स्लो मोशन से वो जो चीज़ों को शूट किया ना यार, वो बहुत ही गजब का लगता है। और इतनी से छोटी सी ग्लिम्स में लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर दिया, मतलब ट्रेंडिंग पे चल रहा है आप मानोगे नहीं। और यूट्यूब पे तो इतने जा रहे हैं जो फेक यूट्यूबर्स हैं, जो लोग इतना फेक अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि मतलब मुझे वो ग्लिम्स से ज़्यादा इन लोगों के रिएक्शन देखने में हंसी आ रही है सच में। मतलब लोगों को इतना बड़ा चूतिया समझते ये यूट्यूबर्स लोग के, मतलब आज मेरे पास क्या बोलो यार, तुम लोग के साथ यही होना चाहिए, अगर कोई सही बोलता है तो तुम लोगों को उसके वीडियोस देखना नहीं है। खैर मैं आपको इतना कह सकता कि जो 7 अप्रैल को उसका पहला फर्स्ट लुक रिलीज होगा उसका तो रिव्यू करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं एक्साइटेड हूँ इस पूरी मूवी के लिए, क्योंकि उसका जो तीसरा रीज़न है वो है फहाद फासिल। और मलयालम इंडस्ट्री के वो एक ऐसे एक्टर है जिसके करोड़ों लोग फैंस हैं, और जिस मूवी में फहाद फासिल होता है वो मूवी मैं देखता हूँ, मैं क्या पूरे इंडिया की ऑडियंस देखती है। तो अब अगर फहाद फासिल और अल्लू अर्जुन एक मूवी में आएंगे तो सोचो वो मूवी कितनी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।